क्या हुआ था पूरा? सर मैं और नितेश टहलने के लिए गए थे, तो पीछे से कुछ लड़के आए और पहले हॉर्न बजा के गाली देने लगे, तो हम वहाँ से वापस मुड़े तो वो पीछे फिर दोबारा आ गए और फिर दोबारा गाली गलौज करने लगे, तो हमने पूछा तो उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। फिर इतने में मेरा दोस्त मोंटी आ रहा था, इसने थोड़ा छूट बीच बचाव किया, फिर वो अंदर मस्जिद के पास से जाके 20-25 लड़कों को बुला लिया। अच्छा, सर बात कुछ भी नहीं थी, बस ऐसे ही पीछे से आके गाली दिए जा रहे थे। फिर सर हमने पूछा उनसे क्यों गाली दे रहा है, उसके बाद उन्होंने फिर मारपीट शुरू कर दी हमारे साथ। वहाँ से भाग के गया था, वो 20-25 लड़कों को बुला के लाया, उनके हाथ में लोहे की रोड थी, डंडे लेके आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने उससे मारना शुरू किया। अच्छा, क्या मतलब सिर्फ एक गाली गलौज को लेकर ये पूरा मामला या पहले भी कुछ? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं था पहले उनसे। उस दिन करवा चौथ था शायद? हाँ जी, करवा चौथ वाले दिन की बात है। आपके साथ भी मारपीट हुई थी जैसे? हाँ जी, मेरे साथ ही मारपीट हुई है, मुझे मेरे सिर में भी लगी हुई। आपने बचाने की कोशिश की थी नितेश को? हाँ जी, बचाने की कोशिश की थी, तभी मुझे चोट लगी। जो बाहर दोस्त के पास से आ रहा था, तब मैंने देखा कि 2-3 जने इसके चिपटे हुए थे आलोक के, और एक ने नितेश के चौक बना रखी थी, गर्दन दबा रखी थी, तो मैंने उसका वहाँ छुड़वाया। फिर मैं वहाँ छुड़ाने गया इसको, इतने में 2-3 लड़कों ने मारा, और फिर वहाँ से 20-25 जब आए तो उसके बाद का फिर सर नहीं पता, उन्होंने रोड वगैरह सामने देखे स्टार्ट कर। ये 20-25 लड़के कहाँ से लेके आए सर? मस्जिद से आ रहे थे, मैंने देखे हैं आते हुए, मैंने देखा वहीं से आते हुए। अच्छा, पुलिस को लेकर आपने पुलिस के पास भी गए होंगे, क्या हुआ था पुलिस को लेकर? उसके पास सर हम गए थे, वो ब्लैंक पेपर पर मुझसे कह रहे साइन करो इस पर। अच्छा, तो मैंने मना कर दिया, वो कह रहे करो, हम आप तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, हम उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन मैंने ब्लैंक पेपरों पर साइन नहीं की। अच्छा, पुलिस का जो रवैया था, कह रहे थे कि इसको पिस्टल लगा के बंद कर दो। SHO नहीं, मतलब उल्टा आप पे आरोप लगा रहे हैं। कौन कौन SHO, कौन था, थाना कौन सा था? अरुण नेहरा, रंजीत नगर थाना जी। अरुण देव नेहरा। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला इसके पिस्टल लगाओ, इसको बंद करो, जबकि आप पीड़ित थे। हाँ जी, चोट लगी हुई थी। ठीक ठीक है।